हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम इंडिया के एयर क्वालिटी इंडेक्स के डेटा को एनालाइज करेंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा कि इंडिया टॉप 5 में आती है मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री में, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सी सिटीज इंडिया में जो है ज्यादा पॉल्यूशन में कॉन्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है, और किसकी वजह से, कौन से पॉल्यूटेड मैटर की वजह से एयर पॉल्यूशन ज्यादा बढ़ता है, ठीक है। तो हमारे पास 2015 से 2020 का डेटा सेट था, हमने उस पर एनालिसिस परफॉर्म किया, ठीक है। और आगे हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से लॉकडाउन की वजह से एयर पोल्यूशन में क्या फर्क पड़ा है, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। तो आपको डेटा एनालिसिस करने से पहले ये समझना होगा कि व्हाट इज AQI, ठीक है, कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है क्या। तो यार एयर क्वालिटी इंडेक्स एक पैरामीटर है एयर के पोल्यूशन को मेजर करने के लिए, ठीक है। एयर के पोल्यूशन को इससे मेजर किया जाता है। तो इसका ये रेंज है 0 to 500 का रेंज, ओके। और ये एयर क्वालिटी इंडेक्स कैलकुलेट होता है वेरियस पोल्यूटेंट, ठीक है, वेरियस पोल्यूटेंट का मेजर लेके। ये पोल्यूटेंट क्या, जो कि एयर को गंदा करते हैं, ठीक है, एयर के क्वालिटी को बेकार करते हैं। जैसे कि हो गया CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि व्हीकल से निकलता है, और नाइट्रिक के कंपाउंड्स, नाइट्रिक ऑक्साइड के कंपाउंड्स हो गए, फिर O3 हो गया, ओजोन, और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये सभी पॉल्यूटेंट है जो कि एयर की क्वालिटी को बेकार करते हैं, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे AQI कैलकुलेट किया जाता है, और ये पैरामीटर बताता है कि एयर कितना ज्यादा गंदा है या फिर कितना ज्यादा सही है। तो इसका रेंज 0 to 500 के बीच में रहता है, 0 to 50 से गुड माना जाता है एयर क्वालिटी को, और 51 से 100 मॉडरेट रहता है, और 100 to 150 अनहेल्दी रहता है सेंसिटिव ग्रुप के लिए। सेंसिटिव ग्रुप मतलब बेसिकली सीनियर सिटीजन होगा इसमें, ठीक है, और वो पीपल जिन्हें लंग्स की प्रॉब्लम है, ठीक है, जैसे कि आप बोल सकते हो अस्थमा पेशेंट, ठीक है, तो उनके लिए ये 101 to 150 का रेंज उन्हें हार्म कर सकता है, उनके लिए अनहेल्दी है, ठीक है, और 150 के बाद से ये नॉर्मल पीपल के लिए अनहेल्दी हो जाता है, ठीक है, और लास्ट में 300 के बाद ये एयर पोल्यूशन, अगर AQI पैरामीटर अगर 300 के पार जाता है तो वो हैजार्डस हो जाता है, ये आपके बॉडी को काफी ज्यादा अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये होता है AQI का मतलब, ओके। तो नेक्स्ट हम देखेंगे अभी ये हमने यहां पर प्लॉट किया है अपना ट्रेंड को, ठीक है, पूरे साल का हर सिटी का एयर क्वालिटी इंडेक्स का ट्रेंड, ठीक है, कि किस तरह से वो वेरी करता है। जैसे कि आप देखोगे ये जो ब्लू वाली लाइन है ये है अहमदाबाद सिटी की, ठीक है, ये अहमदाबाद सिटी का ओवरऑल पूरा ईयर का एयर क्वालिटी इंडेक्स को बता रहा है, ओके। और उसी तरह ये येलो लाइन है दिल्ली का, ठीक है, ये दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स को बता रहा है। तो आप देखोगे कि सबसे ज्यादा सिटी जो पॉल्यूटेड है वो है अहमदाबाद पहले पे, और दूसरे पे हमारा है दिल्ली, ठीक, और तीसरे पे आ रहा है हमारा चंडीगढ़, ठीक है। तो ये सब मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज हैं। अगर आप इस प्लॉट को ध्यान से देखोगे तो आप देख सकते हो कि ये 4, ठीक है, अप्रैल से, और यहाँ पर कुछ 9th मंथ या फिर 10th मंथ अक्टूबर तक, ठीक है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रहता है वो कम रहता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द सिटीज का, या फिर आप बोल सकते हो सभी सिटी का ये रेंज में एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी कम रहता है, मीन्स एयर की क्वालिटी यहाँ पर अच्छी रहती है, ठीक है, इस मंथ में 4 मंथ से अप्रैल से लेके अराउंड अक्टूबर तक। फिर आप यहाँ देखोगे कि ये 0 से लेके 4 मंथ जनवरी से अप्रैल और फिर नवंबर टू दिसंबर, ठीक है, तो इधर जो है सभी सिटीज का जो है एयर पोल्यूशन बढ़ गया है, ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है बढ़ गया है। तो ये जो एक्चुअली ये जो मंथ्स है अक्टूबर के बाद और
अप्रैल के पहले, ठीक है, ये इंडिया में होता है विंटर मंथ, ठीक है, विंटर मंथ्स होते हैं, और यहां पर आ जाता है हमारा समर और रेनी सीजन। ओके, तो आप देखोगे कि समर और रेनी सीजन में एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑलमोस्ट सभी सिटी के कम होते हैं, ठीक है, बट विंटर में यही एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है हाई हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसके बारे में देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में कि क्यों विंटर सीजन में जो हमारा एयर क्वालिटी खराब हो जाता है, एयर का, ओके, एयर का क्वालिटी खराब हो जाता है, ठीक है। तो वाई एयर पोल्यूशन इज वर्स इन विंटर, विंटर के सीजन में क्यों एयर की क्वालिटी खराब हो जाती है, तो यार जैसा हमने स्कूल में पढ़ा होगा 9th-10th में कि कोल्ड एयर जो है सिंक्स होता है और वार्म एयर राइज होता है, ठीक है, वार्म एयर जो है ऊपर की तरफ चल जाता है और कोल्ड एयर जो होता है वो नीचे की तरफ ही रहता है, ठीक है। तो इससे हमारे एयर पोल्यूशन से क्या रिलेटेड है, नहीं, क्योंकि कोल्ड एयर जो है डेंस होता है और वो स्लो मूव करता है एज कम्पेयर टू वार्म एयर, तो इससे क्या होता है, जो भी हमारे एयर में पॉल्यूटेंट्स होते हैं, ठीक है, पॉल्यूटेंट्स होते हैं जैसे कि पीएम हो गया, पार्टिकुलेट मैटर, नाइट्रिक ऑक्साइड्स के ग्रुप, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो भी रिलीज होते हैं इंडस्ट्रीज से या फिर व्हीकल से, तो क्या होता है कि कोल्ड एयर डेंस होता है, तो ये सभी पॉल्यूटेंट ना इसी डेंस एयर में रहते हैं ज्यादा टाइम तक, वो डिस्पर्स नहीं हो पाते, जबकि वार्म एयर समर के टाइम पे क्या होता है, जो भी सब पॉल्यूशन रहते हैं, पॉल्यूटेंट रहते हैं, वो क्या होता है, वार्म एयर राइज होता है, ठीक है, तो वो जो हमारे लेयर के बाहर हो जाता है, ठीक है, वो पॉल्यूटेंट को जो है डिस्पर्स कर देता है, ठीक है, या फिर उसको लेके चल जाता है ऊपर वार्म एयर, बट कोल्ड एयर क्या होता है, डेंस होता है और स्लो मूविंग होता है, तो उससे क्या होता है कि हमारे पॉल्यूटेंट मैटर ज्यादा टाइम तक हमारे एटमोस्फियर में रहते हैं, ठीक है, तो उससे जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो जाती है, और इसी की वजह से आपको फिर ब्रीथिंग में या फिर थ्रोट इरिटेशन, फिर आईज में इचिंग होती है, ठीक है, विंटर मंथ्स में ये सब ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि डेंसर मीडियम होने के कारण, डेंसर एयर होने के कारण जो पॉल्यूटेंट्स है वो डिस्पर्स नहीं हो पाते, ठीक है, वो हमारे एटमोस्फियर में लॉन्ग टाइम तक रहते हैं, जबकि गर्मी के टाइम पे, समर टाइम पे जो हमारे पॉल्यूटेंट है वो फास्ट एयर की वजह से वो डिस्पर्स हो जाते हैं, ठीक है, जो हमारा ब्रीथिंग एटमोस्फियर है उसके बाहर चल जाते हैं, ठीक है। तो यही रीजन है कि क्यों हमने देखा कि विंटर के टाइम पे जो इंक्रीज हो रहा है एयर क्वालिटी इंडेक्स, और समर और रेनी के टाइम पे डिक्रीज हो रहा है। रेनी के टाइम पे क्या होता है, रेनी सीजन में हमारे पॉल्यूटेंट मेनली वॉश हो जाते हैं एयर के से, ठीक है, एयर में जो पॉल्यूशन रहते हैं वो बारिश की वजह से जो है वॉश ऑफ हो जाते हैं मैक्सिमम, तो इसकी वजह से रेनी सीजन में भी हमें एयर क्वालिटी इंडेक्स में ड्रॉप दिखता है, ओके, ठीक है। और अभी हम एनालाइज करेंगे कि क्या इफेक्ट आया था लॉकडाउन कोरोना से, ठीक है, कोरोना के टाइम पे अराउंड मार्च में लॉकडाउन लगा था, तो उससे हम देखेंगे कि हमारे एयर क्वालिटी इंडेक्स में क्या फर्क पड़ा था, ओके। तो जैसे कि आपको पता है कि अराउंड मार्च के लॉकडाउन लगा था, ठीक है, कोरोना की वजह से, जो कि अराउंड 2019 में आया था और इंडिया में मार्च के अराउंड आया था, ठीक है। तो क्या हुआ था, 22 को अनाउंसमेंट हुआ था लॉकडाउन का, तो उससे क्या हुआ था कि व्हीकल्स जो है कम, सिर्फ एसेंशियल व्हीकल्स ही चालू थे, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब बंद हो गई थी और इंडस्ट्री भी काफी बंद हो गई थी, ठीक है। तो उससे हमारे एयर क्वालिटी इंडेक्स पे क्या असर पड़ा, तो यार ये जो है, ये प्लॉट हमने दिल्ली का किया है, तो ये जो रेड मार्कर है वो दिखा रहा है 2019 के डेटा को, और ऑरेंज वाला 2020 के एयर क्वालिटी इंडेक्स को, ठीक है। तो मार्च टू जुलाई हमारा लॉकडाउन पीरियड था, ओके, अराउंड जुलाई तक हमारा लॉकडाउन था। तो अगर आप देखोगे कि जैन और फेब में
ठीक है, इधर तो 2020 में कम था AQI, बट अगर फेब में देखोगे तो फेब में 2020 में AQI ज्यादा हो गया था, मींस एयर की क्वालिटी ज्यादा खराब हो गई थी एज कम्पेयर टू पिछले साल 2019 से। ठीक है, फिर उसके बाद मार्च के अराउंड में हमारा लॉकडाउन लगता है, तो वहां पर आप देखोगे कि मार्च के बाद से जुलाई तक जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है 2020 का, वो काफी डिफरेंस है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर 2019 का। ठीक है, तो ये तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट हाफ है, इसमें भी काफी डिफरेंस है, इसमें भी काफी डिफरेंस है और जुलाई में भी। तो इतना डिफरेंस क्यों, जैसे कि हमने बात किया था अभी कि लॉकडाउन की वजह से सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो गई थी और सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज चालू थे और इंडस्ट्री भी काफी सारे शटडाउन हो गए थे, तो उससे क्या हुआ कि पॉल्यूशन, ज्यादा केमिकल्स नहीं रिलीज हुए एयर में, ओके, व्हीकल्स कम चलने की वजह से ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं हुआ एयर में, तो हमारी एयर क्वालिटी में सुधार आ गया। ओके, तो लॉकडाउन का एक ये बेनिफिट था हमें, ठीक है, लॉकडाउन का ये बेनिफिट हुआ कि हमारी एयर क्वालिटी में सुधार आई। ठीक है, ये एक पॉजिटिव साइड था हमारे लॉकडाउन का, और ऑफ कोर्स कोरोना का भी हमने केसेस को हमने कम किया लॉकडाउन की मदद से। ठीक है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइड था लॉकडाउन का। ये तो अब हम ये देखेंगे कि कौन से पोल्यूटेंट्स में, जैसे कि मैंने बताया था कुछ पोल्यूटेंट्स कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, फिर नाइट्रिक ऑक्साइड के कंपाउंड्स, और फिर और क्या था हमारा, O3, ओजोन। तो ये देखेंगे कौन सा पोल्यूटेंट सबसे ज्यादा डिक्रीज हुआ था लॉकडाउन पीरियड में। ओके, तो हमने देखा कि काफी डिफरेंस था 2019 और 2020 में लॉकडाउन पीरियड में एयर क्वालिटी इंडेक्स में, तो ये डिक्रीज किसकी वजह से है, ठीक है, कौन सा जो पोल्यूटेंट है ज्यादा डिक्रीज हुआ। ओके, तो ये देखते हैं अभी हम। ठीक, तो ये है हमारे अहमदाबाद का, ठीक है, अहमदाबाद का प्लॉट है, ये बता रहे 2019 और 2020 की एयर क्वालिटी इंडेक्स को। ठीक है, तो आप देख सकते हो थर्ड मंथ से हमारा लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था और यहाँ पर काफी ह्यूज डिफरेंस देखने को मिल रहा है एयर क्वालिटी इंडेक्स में। ठीक है, तो आप देखोगे ये है हम पीएम पोल्यूटेंट, तो हम बोलते हैं पार्टिकुलेट मैटर। ओके, तो इसका आप ग्राफ को देखेंगे, ब्लू वाला इंडिकेट करते हैं 2019 और रेड वाला 2020 को। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो ऑलमोस्ट अप्रैल तक तो 2020 में ज्यादा था, ओके, बट अप्रैल के बाद लॉकडाउन पीरियड से 2020 में जो है कम हुआ, बट उतना ह्यूज डिफरेंस नहीं है 2020 में, बट फिर भी कम हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर आप नाइट्रिक के कंपाउंड्स को देखोगे तो इसके अंदर आपको ह्यूज डिफरेंस देखने को मिलेगा। ओके, तो 2019 में कहाँ ये 250 के अराउंड था और 2020 में ये था 450 के अराउंड, तो यहाँ पर नाइट्रिक कंपाउंड से हमें ह्यूज डिफरेंस देखने को मिला। ठीक है, और अब देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड CO को, तो इधर भी आप देख सकते हो कि लॉकडाउन के बाद से यहाँ पर भी ह्यूज डिफरेंस है एज कम्पेयर टू 2019, CO का एमिशन काफी कम हुआ है। और ये कुछ केमिकल्स है बेंजीन, टोलुइन और ज़ाइलिन को मिला के, ठीक है, तो ये भी इंडिकेट कर रहे हैं, इधर भी हम देख सकते हैं कि ये भी 2019 के कंपैरिजन में काफी कम है। सिमिलरली SO2 भी, ठीक है, इसका भी एमिशन काफी कम हुआ 2020 के लॉकडाउन पीरियड में, ग्राफ देख सकते हो आप। ठीक है, ये अमोनिया का, ये ऑलमोस्ट सेम ओवरलैप कर रहे हैं, और O3 ये फ्लक्चुएटिंग है, ठीक है, कभी 2020 में ज्यादा था और कभी 2019 में। ओके, तो इससे हमें ये पता चला कि नाइट्रिक कंपाउंड्स, ओके, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो इसमें और कार्बन मोनोऑक्साइड में ह्यूज डिफरेंस देखने को मिला एज कम्पेयर टू 2019। ठीक है, तो ये किसकी वजह से हुआ, तो इनका मेजर सोर्स है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक कंपाउंड्स का मेजर सोर्स है व्हीकल्स
और इंडस्ट्री, ओके ये दोनों मेजर सोर्स थे। बट लॉकडाउन के कारण व्हीकल्स भी काफी बंद हो गए थे, सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो गए थे और इंडस्ट्रीज भी काफी सारी शट डाउन हो गई थी। तो इससे क्या हुआ, इन कंपाउंड्स का जो है एमिशन काफी कम हुआ। तो ये एयर में, एयर पोल्यूशन में ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए, तो इसकी वजह से क्या हुआ, हमारे एयर क्वालिटी काफी अच्छी हुई। ठीक है, एयर क्वालिटी इसकी वजह से हमारी काफी अच्छी हो गई। ठीक है, तो हमें मालूम पड़ा कि लॉकडाउन पीरियड में व्हीकल और इंडस्ट्री बंद होने के कारण नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड कंपाउंड कम रिलीज हुए और इनकी वजह से एयर क्वालिटी में सुधार आया। ओके, तो क्या हर सिटी में यही ट्रेंड फॉलो हुआ है कि 2020 में कम AQI है और 2019 में ज्यादा? नहीं, किसी सिटीज में ऐसा भी है कि 2020 में हमें ज्यादा AQI देखने मिले हैं एज कम्पेयर टू 2019। ठीक है, तो उन्हीं सिटी में से एक सिटी है, हमने एक सिटी का ग्राफ इधर प्लॉट किया है। ठीक है, तो इधर आप देख सकते हो ये लॉकडाउन मंथ थे, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट इक्वली है AQI या फिर 2020 में ज्यादा है एज कम्पेयर टू 2019। ओके, और इनके पोल्यूटेंट्स मैटर को भी देख सकते हो कि ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इधर तो 2020 में PM पार्टिकुलेट्स मैटर जो ज्यादा है और नाइट्रिक कंपाउंड्स भी 2020 में काफी ज्यादा है कम्पेयर टू 2019। CO अराउंड सेम थे, फ्लक्चुएट हो रहे हैं। SO2 भी सेम ही थे, NH3 ज्यादा एमिशन हुआ था और O3 का भी ज्यादा एमिशन हुआ था एज कम्पेयर टू 2019। ये कुछ सिटीज है जिनके अंदर हमें वो ट्रेंड नहीं देखने को मिला। ठीक है, तो लॉकडाउन पे इसका ज्यादा असर नहीं दिखा एयर क्वालिटी पे। ठीक है, एयर क्वालिटी या फिर बढ़ गए, एयर क्वालिटी इंडेक्स या फिर बढ़ गए। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि एयर की क्वालिटी जो है बेकार हो गई 2019 से। ओके, और ये देखने को मिला कि पॉल्यूटेंट्स जो है उनका एमिशन भी कुछ उतना ही हुआ है या फिर ज्यादा हुआ है पिछले साल के मुकाबले। ठीक है, तो ये कुछ सिटीज थे जिनके अंदर हमें वो ट्रेंड देखने को नहीं मिला। तो ये किस वजह से हो सकता है? तो एक रीजन ये है कि यहाँ पर जो लॉकडाउन फॉलो नहीं हुआ होगा उतना स्ट्रिक्टली। ठीक है, लॉकडाउन उतना स्ट्रिक्टली इन सिटीज में नहीं फॉलो हुआ होगा। हो सकता है कि यहाँ पर कोरोना केसेस जो है कम हो, ठीक है, उसकी वजह से लॉकडाउन जो है स्ट्रिक्ट ना हो, तो सब नॉर्मली ओपन था, व्हीकल्स नॉर्मली चल रहे थे और इंडस्ट्री भी खुली हुई थी। तो इसकी वजह से हो सकता है कि हमें वो ट्रेंड नहीं देखने को मिला जो कि बाकी सिटीज में देखने को मिला था लॉकडाउन की वजह से। ओके, तो ये एक पॉसिबल रीजन हो सकता है कि क्यों 2020 में इधर पॉल्यूशन बढ़ गया या फिर सेम है। ठीक है, तो ये हमने एनालिसिस निकाला। ठीक है, ये हमने एनालिसिस निकाला इंडिया की एयर क्वालिटी इंडेक्स के डेटा सेट से। होप करता हूँ आपको ये एनालिसिस समझ में आया होगा और इंटरेस्टिंग लगा होगा। ठीक है, तो हमने काफी चीजें डिस्कस की कि कौन से पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं एयर पोल्यूशन को और 2019 और 2020 में क्या डिफरेंस आया लॉकडाउन की वजह से। ठीक है, एयर क्वालिटी में क्या डिफरेंस आया और कौन सी सिटी ज्यादा पॉल्यूटेड है। ठीक है, तो यार इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।